अस्सलामुअलैकुम, क्या दिस इज मी बांदी खान बिताबी। एक बार फिर आपको अपने चैनल पर करते हैं जी वेलकम बैक। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी हमारी ज़िंदगी चल रही है जी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर मिरज। तो इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो रहते हैं, बस हमने सिर्फ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट को सिर्फ नज़र में रखा है अभी। और उसके बाद अभी आज हम जा रहे हैं जी बॉटनिकल, जो कि हरीबेरियम है जिनका नाम, तो वो भी हम भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ रियान भाई। रियान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियान भाई हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। और उधर कुछ टिकटॉक के मुनाजर सीन हो रहे हैं गुलाम शाह भाई और उसामा भाई। तो खैर इस वक्त अभी हम हैं जी बिल्कुल जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि यूथ डेवलपमेंट सेंटर के सामने, और सामने हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है इधर जो है, और सामने ही जाएंगे थोड़ा और फिर राइट को इधर जाएंगे, वो होगा हरीबेरियम। यहाँ पर सामने जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की चेयर है, सामने वो PCS या CS, इनके बारे में आपको स्लो स्लो जो कि बताएंगे। सामने ठीक सामने जो कि म्यूज़ियम है आर्कोलॉजी और एंथ्रोलॉजी का। सो सामने शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा आपको डेवलप कर रहा हूँ। ये राइट साइड में हमारे इधर SSC है, वो उनके बारे में भी बताऊँगा SSC क्या है। और बिल्कुल सामने इधर है जी कपल एरिया, उनके बारे में भी आपको बताऊँगा कि कैसे कौन कौन यहाँ पर बैठता है। सो अभी तो हम जा रहे हैं उधर, सिर्फ टॉपिक मैं लेता हूँ हरीबेरियम दिखाने। तो आज हरीबेरियम क्लियर करेंगे, उसके रिलेटेड थोड़े से जो कि साइड में राइट साइड जो भी खूबसूरती या कुछ ऐसे होंगे जो मेरा दिल कहा तो मैं बताऊँगा। और बिल्कुल इंशाल्लाह 4 साल का सफ़र है तो आपको यूनिवर्सिटी का पूरा पूरा चप्पा चप्पा दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। ने हमारे हरीबेरियम टू इंटरप्रेट नेचर, लेट्स ऑब्जर्व एंड से वेट, यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है। और उसके बाद सामने मेन गेट है बॉटनिकल, मैंने पहले कहा बॉटनिकल गार्डन एंड हरीबेरियम ये कह सकते हैं। थोड़े थोड़े मिस्टेक हैं, आपको यहाँ से राइट से दिखाएं कितना खूबसूरत है। इसमें आपको थोड़ा सा दिखाने से पहले अपडेट कर दूँ, इसमें जो कि बॉटनी जैसे होती है उसमें जो भी एजुकेशन होती है तालीम होती है वो चीज़ें, इस तरह आप इधर जाओगे तो वो फील होगा आपको। सरसब्जा जो माहौल है, वैसे यूनिवर्सिटी पूरी में है लेकिन ये थोड़ा अलग एरिया किया गया है, इनमें ज़रूर कोई ना कोई खासियत होगी। और बड़ा फेमस तरीन है, जहाँ भी जो भी विजिटर आते हैं तकरीबन इसको देखे ज़रूर जाते हैं कभी। रियान भाई आप भी आए थे याद है? हाँ मैं आया था जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। हाँ रियान को भी ये हरीबेरियम दिखाया गया है तो समझो हमने हमने बिरयानी भी अंदर ही खाई थी उस साइड पे। चलो ठीक है, आपको फिर दिखाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में। तो जी ये खूबसूरती आपके सामने है, यहाँ पर कुछ लिखा है लेकिन रानी पार्क। तो खैर ये आपके सामने थोड़े से शेप आएंगे इस तरह, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर खूबसूरती है, आपको ऑन द कैमरा नज़र आ रही होगी। सो वो यही सीन है, राइट साइड लेफ्ट साइड टोटली ऑल और कीप अर्थ एंड एनवायरनमेंट, कीप अर्थ एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर, फॉर प्योर फॉर फ्यूचर, मैं ये चीज़ देख रहा था प्योर फॉर फ्यूचर। प्योर कहाँ है ब्रो? देखिए ना, आपने नहीं देखा ना, इसलिए मैं खामोश हूँ। तो ये है वहाँ पर रिसर्च एरिया, कुछ कर सकते हैं, ये भी आपको दिखाएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद, क्योंकि थोड़ी सी प्राइवेसी होती है इनकी जो कि रखनी चाहिए हमें। और ये सामने आपके यहाँ पर गुल भी हैं और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए पार्क शार्क भी हैं। इसके पीछे वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये जिम है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सामने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है। वेट 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 वेट, अबे भैया वो इधर ये फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, आपको कल दिखाया था लास्ट व्लॉग में। अब थोड़े थोड़े क्लियर करेंगे, अब न्यू फैकल्टी है उनके बारे में भी लोग कह रहे हैं, उनकी भी वीडियो बनाओ। उनके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है उनके बारे में, और यह सामने बहुत अच्छी खूबसूरती एरिया है। और कोशिश करते हैं हम अच्छे वीडियो बना पाएँ, आपको अच्छी तरह समझा पाएँ, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में हर चीज़ें अवेलेबल हैं। अब रियान भाई इधर बैठेंगे, बस दुआ करें फ़ोटो का ना निकालें, ये चीज़ इन्होंने तंग किया हुआ है मुझे कल से जब से आए हैं मतलब यूनिवर्सिटी। और ये सामने पाम है जिनको हम जबान में कहते हैं, हमारी जबान में कहते हैं खजी वगैरह, और आपकी जबान में पता नहीं क्या कहते हैं, मे बी आपकी जबान में पाम जिनको इंग्लिश में कहते हैं खजूर जो होते हैं उनकी। ये सामने छोटा सा है लेकिन पर ये फिर लगा हुआ है, साइड में ये चीज़ हो रही है और ये भी हैं, और डिफरेंट तरह के यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है और रिसर्च एरिया जो वो मेन है उधर अलाउ नहीं होता कि आप वीडियो बनाएं, बाकी का जो सीन है हम क्लियर करके देंगे कुछ टाइम में सारी यूनिवर्सिटी को इंशाल्लाह।
यार हम उधर वीडियो बना रहे थे, पाँव में चोट लगी है, उसके साथ हमने वीडियो कवर कर दी है जो करनी थी। रियान भाई हमेशा बच्चों की तरह उड़ते रहते हैं, कभी इस जगह पर कभी इस जगह पर। सामने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरा ही डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट है, फैकल्टी है मतलब। और शाम अभी हो चुकी है, इस तरह के मनाजर आपके सामने हैं जो कि उदास फिरती हो सर्दियों की शामों में। इसी तरह होता है इसी तरह के कामों में, मतलब इस तरह की शायरी जब कोई सुनता है, जब जिसको मोहब्बत हो जाती है। खैर मैंने बस ऐसी बता दिया क्योंकि हो रही थी तो मैंने कहा बता दें। अब जो बता दिया है तो बस ऐसा ना समझें कि हम किसी के इश्क में डूबे हैं, अगर हुए हैं तो वो हमारा इश्क है। आप परहेज़ कीजिए। पता नहीं मैं कहाँ से स्टार्ट होऊँ कहाँ से ख़त्म हो जाऊँ, कोई खबर नहीं होती, क्योंकि लाइफ को थोड़ा चिल करने के लिए इस तरह करने पड़ते हैं, इस तरह करना पड़ता है, इस तरह के काम करने पड़ते हैं। सामने बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे हैं इस तरह की। यस बॉस इधर